आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में हत्या का एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है। गुरुवार को गांव मुबारकपुर में शादी समारोह के दौरान दुल्हन की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि एक तरफा प्यार में युवक ने दुल्हन को गोली मारी है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो जिस तरह से बेखौफ प्रेमी ने घर में घुसकर मौत के घाट युवती को उतार दिया, सिर्फ फिर युवक का एक तरफा प्यार युवती के मौत का वजह बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन तो कर रही है, लेकिन इस तरह से जो हौसले बुलंद नजर आ रहे बदमाशों के, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार क्राइम को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है, कई तरह की योजनाएं ला रही है, लगातार पुलिस शिकंजा भी कस रही है बदमाशों पर, बदमाशों के लिए सख्त रवैया भी अपना रही है, कई कड़े कार्रवाई भी किए जा रहे बदमाशों पर, उसके बावजूद भी जिस तरह से सरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चक्कर में पहले तो घर में घुसा, उसके बाद दुल्हन को गोली मारी, इसके बाद आरोपी फरार हो गया, एक तरफा प्यार के चक्कर में युवती की जान पर बनाई और शादी के दिन ही युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया सरफिरे आशिक ने। संवाददाता धनीराम मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनीराम, क्या कुछ पूरा मामला है? जी कृष्णा जी, मैं आपको बता दूं कि यह थाना नौझील के गांव मुबारकपुर का है, जहां एक रात को दुल्हन डोली में विदा होकर जानी थी, उससे पहले ही उसकी अर्थी चली गई। पूरा मामला एक तरफा प्यार को लेकर के बताया जा रहा है, जहां एक गांव का ही रहने वाला युवक था, जो कि काफी समय से वो युवती से प्यार करता था और युवती की शादी किसी दूसरी जगह हो रही थी, तो ये आशिक को नावगुजार समझा और उसने बारात आ गई उसके बाद में उसमें दुल्हन में गोली मार दी और गोली मारने के बाद में दुल्हन की मौत। जी जी धनीराम, ये जो शादी है, क्या युवती के बिना रजामंदी के हो रही थी? युवती की मंजूरी थी शादी में? जी रजामंदी से ही हो रही थी, परंतु आज एक तरफा प्यार के चलते हुए लड़की को उसको गोली मारी गई, क्योंकि पहले जब बारात जब चढ़ाई हो रही थी तो उस टाइम उस युवक ने वहां भी हंगामा काटा, बरातियों के साथ में मारपीट भी की थी। उसके बाद में जैसे ही बरमाला हुई, बरमाला के बाद में लड़की अपने कमरे में गई है, तो वो आशिक भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसमें अंदर जाकर के गोली मार दी और गोली मारकर वो फिर आशिक वहां से फरार भी हो गया। जैसे ही बराती और घरियाती इनको जैसे ही पता चला तो पूरे उसमें माहौल गमीन हो गया और तुरंत ही उसकी मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। सूचना तुरंत पुलिस इलाका पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई, परंतु उससे पहले जो आशिक था, जो गोली मारने वाला आरोपी, वो वहां से फरार हो गया। जी और अभी पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और पूरी तहकीकात कर रही है, परंतु एक तरफा प्यार के चलते ही पुलिस मान रही है कि एक तरफा प्यार के चलते ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस युवक ने गोली मारी है युवती को, उस युवक के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उसके परिवार वालों को क्या पुलिस अभी तक हिरासत में ले पाई है पूछताछ के लिए? जी अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस अभी इस मामले को लेकर के संगीन है और पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है। अभी पंचनामा भर के सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, बाकी की कार्रवाई आगे की जा रही है। इस मामले में अभी किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या धनीराम? जी अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है और अभी तहरीर दी गई है, अभी तहरीर के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी जरूर करेगी। वहीं एसपी क्राइम देहात का कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं मृतक के पिता का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मुबारकपुर का रहने वाला। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरी बेटी की शादी जी जयमाला पढ़ के मेरी बेटी घर गई जी, और घर गई कुर्सी पे बैठी कमरे में, एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने मेरी बेटी की ये आँख के बगल में गोली मारी।
जी, और गोली मारती, मेरी बेटी खत्म हो गई, मैं उसे लाया पकड़ के तो पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस को सूचना दे दी। क्या कह रही है पुलिस इस मामले में? पुलिस घटना की कह रही कार्रवाई करेंगे। आज प्रातः थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान काजल डॉटर ऑफ कुबीराम की गोली लगने से मृत्यु कारित हो गई है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई। तो आपने सुना कि संबंधित जो पुलिस है उनका क्या कहना है, वही लड़की के जो पिता है उनका क्या कुछ कहना है। युवती जयमाला के बाद से ही घर में बैठी और अफेरों के इंतजार में बैठी थी, उसके बाद से ही सरफेरा युवक अंदर घुसा और उसने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां महज 30 रुपए के लिए कि युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि युवक का कसूर बस इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजी दी थी और उसके पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद तीनों युवक ने उसे बेरहमी से मार डाला। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मृतक घर का अकेला कमाने वाला था और उसका एक 9 साल का बेटा ही भी था। एक बेहद ही दर्दनाक हादसा गाजियाबाद से सामने आया है। एक शिकंजी वाला, शिकंजी जो बेचता है, महज 30 रुपए की शिकंजी एक होती है, उसने 3 लोगों को शिकंजी पिलाई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उन लोगों से शिकंजी के पैसे मांग लिए, जिसके चलते बदमाशों ने पूरी तरह से पहले शिकंजी वाले की पिटाई की, बुरी तरह से पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से परिजनों का बेहद बुरा हाल है। मृतक का एक 9 साल का बच्चा भी है, एक 9 साल का बेटा है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक अकेला अपने घर में कमाने वाला था, अकेले कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अपना घर चलाता था। महज 30 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया गया एक शिकंजी वालों को। अगर बात किया जाए इन गुंडे बदमाशों की, तो कहीं ना कहीं एक मन चली ही है कि अगर कोई अपने मेहनत के पैसे मांगता है, मेहनत के पैसे मांगने वालों को भी मौत के घाट उतार दिए, तो भी महज 30 रुपए के वजह से। संवाददाता प्रवीण इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह से पुलिस अब इस मामले पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरा मामला गाजियाबाद का है, गाजियाबाद के अरसला का पूरा मामला है, जहां पर एक जूस जो जलजीरा बेचता था व्यक्ति, वहां पर कुछ लोग आते हैं और उससे वो जूस पीते हैं। जहां वो अपने पैसे मांगने की बात करता है, तो वो दबंगों द्वारा उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी वो मौत हो जाती है अस्पताल ले जाते हुए। बात करें पुलिस की, तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, जितने भी उसमें लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और खासतौर पर क्योंकि ये गरीब व्यक्ति था जो कि अपने रोजमर्रा का काम किया करता था, कहीं ना कहीं दबंगों द्वारा उसको पीट पीट कर मारने का जो ये मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में दर्शाता है कि एक जो गरीब व्यक्ति को इस तरह से 30 रुपए, सिर्फ मात्र 30 रुपए, जबकि ये ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो 30 रुपए को लेकर उस व्यक्ति को पीटा जाता है और उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है। जी, मुआवजे की कोई बात कही गई है? क्योंकि युवक अकेला अपने घर में कमाने वाला युवक था, उसका एक 9 साल का बच्चा भी है, परिवार भी है, तो क्या मुआवजे की कोई बात अभी तक प्रशासन के द्वारा कही गई है? देखिए, वही बात की जाए, अगर जो 9 साल का बच्चा है उसका नाम यश है, कहीं ना कहीं उसको अभी ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं कि नहीं है इस धरती पे, लेकिन उनके परिवार वालों का खास तौर पे कहना है कि यही एक व्यक्ति थे जो इनके पिता थे, जो पूरे घर का खर्चा चलाते थे, सारे बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज का खर्चा वो अपने इसी एक जलजीरे को बेचकर, जो जलजीरे का पानी था इस समय गर्मियों में, उसको बेचकर वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार का पेट पालते थे। लेकिन परिवार वाले जो है लगातार प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार की मदद की जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए, साथ ही साथ उनको मुआवजा दिया जाए। जी प्रवीण, जो तीनों दोषी युवक हैं उनका पुलिस अभी क्या कुछ पता लगा पाई है, उनकी गिरफ्तारी का कुछ भी अभी सामने आ पाया है? देखिए, यह बात की जाए अगर गिरफ्तारी की, तो पुलिस ने टीम गठित कर दी है, इन तीनों व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है लगातार, जो पुलिस की विभाग की टीम है वो लगातार इन लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो इनके ऊपर संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा भी दर्ज होगा, इनको जेल भेजा जाएगा। जी प्रवीण, ये युवक गाजियाबाद के ही है कि कहीं आसपास के इलाके के बताए जा रहे हैं? देखिए, ये जो युवक थे, जी प्रवीण,
जो ये युवक है तीनों, ये गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, गाजियाबाद में ही रहते थे, लेकिन ये मौके पर जब उसको पीटा गया, रॉड से मारा गया उस व्यक्ति को, तो ये मौके से फरार हो गए थे। कहीं ना कहीं इनको ये नहीं पता था कि वो व्यक्ति काफी गंभीर चोटें आ चुकी थी, उसको अस्पताल आनंद फानंद में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में जब उसको उसको इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान काफी खून बह चुका था उस व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं वो उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही जो मृतक है उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। और क्या बोलते इसको, फल लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई उनके साथ, हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। बेटे आपका एक बेटा है, कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं अपना मकान? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, एप्लीकेशन भी लिखी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति का भी, मेरे बच्चा है। रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह कहनी थी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास कॉफी जो कि रिक्शा चलाता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवार के लोग आना जो है हॉस्पिटल। एक बेहद ही दर्दनाक मामला ये गाजियाबाद से सामने आया, जहाँ एक गरीब किसी तरह से अपना घर चलाता था, अपना भरण पोषण करता था, गुंडों द्वारा जिस तरह से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, बेहद ही निंदनीय घटना सामने आया है। हालांकि अब तक की खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।